लालची ट्रक ड्राइवर। इंद्रप्रस्थ नाम के गांव में पुलिस वाले एक नाके पर चेकिंग कर रहे थे। वहां खड़े एसआई से कांस्टेबल, अरे ये क्या सर, हमारी किस्मत फूटी हुई है। क्राइम को सुलझाने में हम गाड़ियों में घूमते हुए खूब सारे पैसे कमाते थे, ऊपर से कोई टाइमिंग भी नहीं होता था अपना। अब यहाँ देखिए, हमें टाइम पर इस चेक पोस्ट पर पहुँचना होगा और गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। लानत है सर ऐसे काम में। दर क्यों बच्चू, 6 महीने क्राइम में क्या काम कर लिया, तो आराम का चस्का लग गया तुम्हें, इसलिए यूं बात कर रहे हो। तुम्हें अंडमान ट्रांसफर किया तब पता चलेगा तुम्हें। यूं कह रहा था कि तभी वहाँ एक ट्रक पहुँची। ऐसा ही उस ट्रक ड्राइवर से, कहाँ जा रहे हो, अंदर क्या माल है, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम चुलबुल पांडे है, मेरे पिताजी का नाम गब्बर सिंह है सर, मैं रेत लेकर असम जा रहा हूँ सर। तभी एसआई के पास एक और कांस्टेबल आया। सर ट्रक में एक रेत की बोरी है, मैंने सारे ट्रक की तलाशी ले ली है सर, सिर्फ रेत ही रेत है सर। क्यों भैया, इतनी बड़ी गाड़ी में सिर्फ एक बोरी रेत की, तुम यहाँ से असम रेत की बोरी लेकर जा रहे हो, अब इस रेत को ले जाकर क्या करोगे वहाँ पर? सर इसे शहर भर में छिड़कूंगा सर, इस रेत को छिड़कूंगा और जो बच गया है घर घर प्रसाद की तरह बांटूंगा। अरे कई हजार रुपए खर्च करके रेत ले जा रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा? बस जस्ट फॉर फन सर, अगर आपके घर के पास रेत हो तो कहिए, मैं उसे ले जाकर बिखेर दूंगा। सर लगता है कोई पागल है, और लगता है कि इसके बाप के पास बहुत पैसे हैं। जब तक उसकी सारी संपत्ति को खर्च ना कर दे ये चैन से सोने वाला नहीं है सर, इसे भेज देते हैं सर, खामखां की सिरदर्दी है। ठीक है ठीक है, भेज दो। इस तरह पुलिस ने उसे जाने दिया। इस तरह वो ट्रक ड्राइवर रेत की बोरी ले जाने लगा और पुलिस भी। रेत की बोरी को देखकर उसे जाने देते। यूं कई महीने बीत गए। एक दिन चुलबुल पांडे को पैदल आता हुआ देखकर कांस्टेबल ने उसे रोका। क्यों, अब बिखेरने के लिए रेत नहीं मिला, या फिर तुम्हारे इस पागलपन की वजह से तुम्हारे पिताजी को अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी? आज दिन खराब है सर, कहीं रेत नहीं मिली इसीलिए मैं पैदल आ रहा हूँ। अपने देश में रेत की कोई कमी नहीं है और तुम कहते हो कि रेत नहीं मिला। ये सुनकर ऐसे ही, देखो सच सच बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम उस रेत की बोरी में कुछ ना कुछ तो ले जा रहे थे, हमारे फॉरेंसिक लैब वाले भी कुछ पता नहीं लगा पाए, वैसे उस रेत को कहाँ ले जाते थे, कहाँ बेचते थे, सच सच बताओ। सर मैं सचमुच रेत लेके जाता था, आप ज्यादा ना सोचें सर। अरे तुम पुलिस वालों को धोखा नहीं दे सकते, तुम्हारे शक्ल को देख के ही लगता है कि तुम चोर हो, सच सच बताओ, तुम जितना कहोगे उतना पैसे देंगे, पर सच सच बताना, मैं ये टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, सपने में भी तुम ही आते हो, प्लीज बता दो भैया कि तुम उस रेत की बोरी में क्या लेके जाते थे। अरे आप टेंशन ना लें सर, आज रात को आराम से सोइए, सच बात तो ये है कि मैं रेत नहीं ले जाता था, यहाँ से ट्रक ले जाता था असम में। तब कांस्टेबल हैरान हो गया, ए तुम ट्रक की चोरी करते थे और हम तुम्हारे गाड़ी के रेत की बोरियों को चेक कर रहे थे। हाँ यही तो सच है, अरे आप जैसे मूर्खों को मैंने कभी नहीं देखा सर, मैं इतने दिनों से जा रहा था, कभी आपने मेरा लाइसेंस पूछा, कभी आरसी बुक पूछा, कभी आपने मुझसे ये पूछा कि तुम हर रोज अलग अलग गाड़ी में क्यों आते हो, ये सब कुछ नहीं पूछा आपने, जब देखो यही पूछते रहे कि इस बोरी में क्या है, ये रेत कहाँ ले जा रहे हो। आप जैसे बेवकूफ पुलिस वाले बन गए तो देश का सत्यानाश ही समझिए। तब ऐसे को बहुत गुस्सा आया, अरे इसे पकड़ो, आज इसे नहीं छोड़ेंगे, हमें धोखा देता है, पकड़ो इसे। पर वो पुलिस के हाथ आए बिना वहां से भाग गया। गरीब का गोल्डन मोटर बाइक। एक गांव में एक अनाथालय था, वहां अशोक नाम का विद्यार्थी रहता था। वो कॉलेज में पढ़ता था और जब भी खाली समय मिलता छोटे मोटे काम करते हुए अपने जेब खर्चे के लिए पैसे कमा लेता था। सवेरे के टाइम पर दूध और पेपर बांटता था।
और शाम को ढाबे में काम करता था। उसी कॉलेज में पढ़ रहे शरद नाम का विद्यार्थी कॉलेज बाइक पर आता था। उसे पैसों का घमंड था। वो दूसरे विद्यार्थियों का अपमान करता रहता था। वो अशोक का भी अपमान करता रहता था। कभी कभार अशोक सड़क पर घूमते हुए लॉटरी टिकट बेचता था। आइए सर आइए, लकी लॉटरी, बम्पर लॉटरी, राजस्थान लकी लॉटरी, भूटान लकी लॉटरी, एक टिकट खरीदिए सर और करोड़पति बन जाइए। आइए मैडम आइए, लॉटरी टिकट खरीद कर ले जाइए, कहकर बेचता था और जो पैसे मिलते थे वो मालिक को सौंपता था और अपने हिस्से का पैसा लेकर जाता था। वो अपने आश्रम में रहने वाले दूसरे बच्चे और बूढ़ों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाकर उन्हें देता था। ये देखकर लेडी वार्डन, बेटा अशोक तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, तुम जो पैसे कमाते हो उसे चार लोगों को तुम खुशी देते हो, भगवान तुम्हारा भला करे। हर रोज ये आश्रम चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है बेटा, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैडम आप चिंता ना करें, सब ऊपर वाला देख लेगा, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मैं धनवान बन जाऊँ तब भी मैं इस आश्रम को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन क्लासरूम में शरद केक काट रहा था तो बाकी स्टूडेंट्स, हैप्पी बर्थडे शरद, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शरद, कहकर गाने लगे। शरद केक का टुकड़ा अशोक को देते हुए, दोस्तों वैसे तो आमतौर पर पहला टुकड़ा उसे दिया जाता है जिसे बहुत ज्यादा प्यार हो, पर क्या आप लोग जानते हैं कि मैं पहले अशोक को क्यों खिला रहा हूँ? क्योंकि ये गरीब है, बेचारा केक तो कभी इसने खाया ही नहीं होगा, इसीलिए खिला रहा हूँ। यार खाओ अशोक खाओ, चाहो तो एक और टुकड़ा दे देता हूँ, कहकर मजाक उड़ाने लगा तो सब कहके हंसने लगे। ये देखकर अशोक बहुत दुखी हुआ। शरद ये गलत बात है, तुम जलते हो कि मैं तुमसे अच्छे नंबर लाता हूँ, इसीलिए जब भी मौका मिलता है मेरे गरीबी का मजाक उड़ाते रहते हो, ये गलत बात है। कोई बात नहीं, एनीवे वंस अगेन ए वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड, कहकर चला गया। एक दिन वो लॉटरी टिकट बेचते हुए, आइए साहब आइए, लॉटरी टिकट खरीदिए, केवल 100 रुपए, लॉटरी लगी तो सोने का बाइक आपका हो जाएगा। आइए सर आइए, अपने किस्मत को आजमाइए और सोने के बाइक जीतिए, कहकर आवाज देने लगा। तब लोगों ने आकर टिकट खरीदा। तभी शरद अपने बाइक में वहां से गुजर रहा था तो उसने बाइक रोका और तो अब बम्पर ड्रॉ के लॉटरी के साथ साथ सोने के बाइक के लॉटरी टिकट भी बेचने लगे। किसे उल्लू बना रहे हो कमजर्फ? शरद इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, मेरे मालिक ने जो काम दिया है वो मैं कर रहा हूँ। उस कंपनी वालों ने कहा है कि जो जीतेगा उसे सोने का बाइक देंगे, इसमें क्या धोखा है? मेहरबानी करके मेरे काम में दखल ना दो, प्लीज जाओ यहाँ से। शरद हंसता हुआ वहाँ से चला गया। अशोक ने टिकट के पैसे मालिक को सौंपा। अशोक ये लो तुम्हारे हिस्से के पैसे, 100 रुपए काट कर मैंने उसके बदले में एक टिकट दिया है तुम्हें, जानते हो क्यों? हो सकता है वो लॉटरी तुम्हें लग जाए और तुम्हारी परेशानियां सब दूर हो जाएं। अगले दिन अखबार देखकर अशोक हैरान हो गया, उस सोने का बाइक का इनाम उसे मिल गया था। कंपनी वाले आए और आश्रम में अशोक को वो सोने का बाइक सौंप कर चले गए। कंग्रेचुलेशंस अशोक, अब तुम्हारी समस्या ये सब दूर हो गई। करोड़ रुपए की इस बाइक के साथ साथ तुम करोड़पति बन गए। जाओ बेटा इस गरीबी से निकलकर कोई आराम की जिंदगी जियो बेटा, अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैडम जी आपकी बातें उतनी ही तकलीफ दे रही हैं जैसे कोई कह रहा हो कि अपने घर को छोड़कर जाओ। पैसों के आने पर मैं अपने घर को अपने परिवार वालों को छोड़कर जाने वाला स्वार्थी नहीं हूँ। जरा रुकिए, एक छोटा सा काम है, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सबकी परेशानियां दूर हो जाएं, कहकर तुरंत उसने शरद को फोन किया। शरद अपने बाइक में वहां पहुंचा। अरे ये क्या, जब सब कह रहे थे तो मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, तुमने सचमुच सोने का बाइक जीता? अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है यार, जी करता है इसमें बैठ के सवारी करूं।
इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम्हें बाइक का बड़ा शौक है ना? इस बाइक की कीमत 2 करोड़ रुपए है। मुझे इससे कोई काम नहीं है, मैं ये तुम्हें बेचना चाहता हूँ। पहले मैंने सोचा गांव का चक्कर लगाऊं इसमें, पर मैंने सोचा कि मेरे घूमने के बाद अगर तुम खरीद कर इस पे घूमोगे तो तुम्हारी हैसियत कम हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें बुलवाया। बोलो, खरीदते हो या मैं इस पर घूमूं? नहीं नहीं यार, ये मुझे चाहिए, मैं इसे खरीदूंगा। गोल्डन बाइक पर पहले मैं ही चक्कर लगाऊंगा। ठहरो, पैसे लेकर आता हूँ। इस तरह उसने पैसे लाकर अशोक को दिए और बाइक लेकर चला गया। वो बड़े गर्व के साथ गांव का चक्कर लगाने लगा उस बाइक में। अशोक ने वो सारे पैसे वार्डन को दे दिए। ये देखकर आश्रम के बाकी निवासी खुशी के मारे ताली बजाने लगे।